फाइनली शाम हो चुकी है, हॉस्टल वगैरह फाइनलाइज हो चुका है और जैसा कि इन्होंने बताया कि 10,000 से 15,000 के बीच हॉस्टल मिलेगा तो वैसा ही हुआ है। और अगर चार्ज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो हम सोच रहे थे कोटा आए हैं तो थोड़ा बहुत स्विमिंग अराउंड हो जाए, जैसे चले जाते हैं सेवन वंडर्स पार्क, यहाँ का फेमस है जो सेवन वंडर्स का एक प्रतीक है कह लो तो। और चंबल गार्डन के लिए अगर टाइम मिला तो वहाँ भी जा सकते हैं, करेक्ट की जा सकती है वहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल पता नहीं कब तक की टाइमिंग है, अभी कोशिश करते हैं सेवन वंडर से पहुँच जाए, बड़ी बात है। बट अब होटल से निकल चुके हैं, पहुँचेंगे भी। हम लोग आ चुके हैं सात अजूबा, जो कि सेवन वंडर्स बोलते हैं। यहाँ पे पार्किंग के चार्ज देख सकते हैं, टू व्हीलर्स की पार्किंग 5 रुपीज़, फॉर फोर व्हीलर्स इट इज़ ऑफ 10 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ से टिकट कलेक्ट करेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ से कितना दूर है, टिकट कहाँ मिलता है भैया? तो वहाँ पे कैंटीन चालू है, वो कैंटीन है और लेफ्ट में ये सेवन वंडर्स पार्क आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टिकट कलेक्ट कर लेंगे। चलिए फिर टिकट ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टिकट के चार्जेस लिखे हुए हैं, जो एडल्ट है उनके चार्ज है 10 रुपीज़, चिल्ड्रेन 5 रुपीज़ और स्कूल ग्रुप से है तो 5 रुपये। तो यहाँ पे पूछने पे स्कूल से भी 10 रुपये ही इन्होंने चार्ज करने के लिए बोला है, तो कोई बात नहीं आगे हम बढ़ेंगे। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं यहाँ पे सेवन वंडर्स के अंदर और थोड़ी करीब से चीज़ों को देखेंगे। अगर हम रात में आते तो ये दृश्य कुछ अलग ही रहता और लाइटिंग्स वगैरह रहती, अभी दिन में ही हम लोग इसको निपटाएंगे क्योंकि अपने टाइम को देखते हुए हमें चलना है। तो ठीक है, अभी तो ये कोलोसियम देख सकते हो ये, और आपको करीब से भी दिखाऊंगा चीज़ों को और जानकारी दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे लिखी भी हैं जैसे ये पिरामिड और उसके जस्ट बाद आप ताज देख सकते हो, ताज। और यहाँ पे एक राइट में ही बड़ा सा पॉन्ड है, अब उस तालाब को मैं दिखाऊंगा जहाँ पे वो एक फिल्म की शूटिंग हुई है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो यहाँ पे मैं आप शूटिंग पॉइंट भी दिखाऊंगा, और ये यहाँ पे भी हुई है तो आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे, अगर कोई भी अगर मूवी देखे होंगे वो वाली। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We are inside the Seven Wonders. We are having some cold drink and water. So we were waiting for the lights. When it will be lit, it will be looking good. This is why we are waiting here. Lights are lit, but you know, in day, night, daylight, it can't be seen, no. So this is why we will wait for that and we'll see how it will be looking. Thank you. We'll see again. ये आपको दिखाता हूँ फाउंटेन का ये दृश्य। तो आप ये जो मॉन्यूमेंट देख रहे हो, ये द क्राइस्ट रिडीमर है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो या जानना चाहो तो यहाँ पे मेंशन है। ये 38 मीटर हाइट विद द स्टैचू अकाउंटिंग फॉर 30 मीटर एंड ओवरलुकिंग द सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो। अब ये रियो डी जेनेरियो की सिटी की ओर मुंह करके ये जो है क्राइस्ट रिडीमर की मूर्ति को लगाया गया है, और ये 1931 में कंप्लीट हुआ था। माउंटेन पे जो है मेंट को माउंटेन पे बनाया गया विद 30 मीटर हाई। इसी के बाद क्राइस्ट रिडीमर के बाद ही आप अगर आप जाओगे तो जस्ट बगल में ही एफिल टावर का दृश्य आपको दिखेगा, और एफिल टावर आप तो जानते ही हो पेरिस में है, और ये दृश्य आपको थोड़ी सी दूर पे इस तरीके से कुछ दिखेगा।
जो मॉन्यूमेंट दिखाने वाला हूँ जो सेवन वंडर्स में वन ऑफ द वंडर्स है वो लीनिंग टावर ऑफ पाइसा, आप यहाँ से देख सकते हो 60 मीटर हाइट, आप इसकी हाइट 60 मीटर देख सकते हो यहाँ से, जो रियल है वो 60 मीटर है। अब ये तो दिखाने के लिए इन्होंने बना रखा है, जो हर एक चीज़ को ध्यान में दिख के बनाया गया है। और ये इसकी ख़ास विशेषता ये है कि ये जो अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस से देखूं, द मॉडल ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा बिल्ट हियर इज़ हैविंग हाइट अबाउट 18 मीटर, यहाँ पे जो बनाए गए वो 18 मीटर है, जो रियल है वो 60 मीटर है। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये 5 मीटर हाइट क्या बना हुआ है, ऐसे तो ये इसकी हाइट 46.5 मीटर है ओवर सेम हाइट पेडिस्टल। अपना ये छोटा सा ताजमहल बनाने की कोशिश किए हैं लोग। तो आ गए हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, इट इज़ ओनली वन ऑफ द फेमस सेवन वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। 230.42 मीटर उस ज़माने में इसको बनाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए एक सेवन वंडर्स के अंदर ही आता है। इसकी हाइट यहाँ पे 7.5 मीटर दी गई है, स्टोन ब्लॉक से ही बनाया गया है इसको। ये जो वाइट और सेट दिख रहे हैं ये ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा इज़ 230.42 मीटर लॉन्ग ऑन ईच साइड। अब ऐसे इसके तीन एज बनेंगे, तो अगर एक एज की अगर लंबाई देखें इस एज की ही, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कोलिजियम। ये इटली के रोम शहर में है, अब फ्लेविन एम्पी थिएटर के नाम से भी इसे जानते हैं, और इसकी हाइट जो है 156 मीटर है, और सॉरी इसकी लंबाई 188 मीटर और चौड़ाई 156 मीटर है। और इसकी शेप की बात करें तो ये एलिप्टिकल इन शेप है, और ये विंडोज़ लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये सिर्फ इसी से बना हुआ है। और ये जो शेप में है ये एलिप्टिकल है ऐसे। और इसकी लेंथ की बात करें तो 188 मीटर एंड 156 मीटर वाइड है, और यहाँ पे ये 12 मीटर विड्थ से बना हुआ है और 50 मीटर लेंथ, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सेवन वंडर्स के नज़ारे आपको सेवन वंडर पार्क में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल यानी ज़ोम ब्रो को मिलते हैं अगले वीडियो में।